दोस्तों अगर आप भी 10,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो पहले इस बजट में इतने कुछ खास स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं थे, पर रीसेंट टाइम में अंडर 10,000 के बजट में कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट और लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन को बताने वाला हूं, जिन्हें आपको 10,000 के बजट में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। यहां पर आपको हेवी लेवल तक की गेमिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा और पावरफुल का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जबरदस्त कैमरे की क्वालिटी भी मिलती है, उसके साथ साथ ब्यूटीफुल डिस्प्ले, डिजाइन और तगड़ा यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट कर ले तो लिस्ट में नंबर 5 पे मैंने सैमसंग स्मार्टफोन को रखा है, जो कि है गैलेक्सी A14 5G। नॉर्मली ये स्मार्टफोन 15-16,000 के आसपास सेल होता था, अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको आराम से अंडर 10,000 में मिलने वाला है। अगर आप एक सैमसंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इसे आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो 12,000 के बजट में M15 प्राइम एडिशन अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। बाकी बात करें A14 के स्पेक्स की, तो यहाँ पर 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल मिलती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। यहाँ पर सैमसंग का एक्सिनोस 1330 वाला प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए तो इतना अच्छा नहीं है, पर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक 5G प्रोसेसर है। बाकी यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 15W का चार्जिंग सपोर्ट है। बात करो कैमरे की तो 50+2+2 megapixel का ट्रिपल और फ्रंट में भी 13 megapixel का सेल्फी जूटर मिलता है। अभी बात कर लेते हैं प्रोस की, तो देखो यहाँ पर आपको फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिल जाती है, कैमरा बहुत ही अच्छा मिलेगा और 2 साल के मेजर ओएस अपडेट भी मिलते हैं। बाकी बात करें कॉन्स की, जो कि थोड़े से ज्यादा है, यहाँ पर आपको ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, बेजल्स थोड़े से मोटे देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ इनबॉक्स कोई भी चार्जिंग अडैप्टर नहीं मिलता है, चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा और डिस्प्ले में सिर्फ 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो अगर आप धूप में यूज करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और अगर बात करो प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 4+64GB रोम वाला बेस वेरियंट 8999 में अवेलेबल है। अगर आप 128GB रोम वाले वेरियंट के साथ जाते हैं तो वो आपको 9500 में मिलने वाला है। बाकी दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन में आपको बता रहा हूँ नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। उसके बाद लिस्ट में नंबर 4 पे मैंने इन्फिनिक्स की तरफ से हॉट 50 5G को रखा है। अच्छा स्मार्टफोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पंच होल वाली डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर 6.7 इंचेस की IPS LCD पैनल मिल जाती है, हालांकि HD+ पैनल है जहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18W का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, पर देखो इनबॉक्स सिर्फ 10W का चार्जिंग अडैप्टर मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको बैक में 48 megapixel का और एक डेप्थ शूटर मिल जाता है, जो कि यूजलेस है। बाकी फ्रंट में 8 megapixel का सेल्फी जिटर है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो मेन कैमरा है ना, वहाँ पर सोनी का सेंसर मिलता है, IMX582 वाला। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक से मिल जाती है। और अगर बात करो प्रोस की, तो स्लिम बेजल्स के साथ आता है, 120Hz वाली डिस्प्ले है, IP54 का सर्टिफिकेशन भी और कैमरा सोनी सेंसर वाला मिल जाता है। कॉन्स यहाँ पर इतने कुछ खास है नहीं, पर इनबॉक्स आपको सिर्फ 10W का चार्जर मिलेगा, जो कि एक छोटा सा कॉन जरूर है। और जो डिस्प्ले है ना वो HD+ वाली है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फाइनली बात करो प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ था और इसका जो बेस वेरियंट है 4+128 वाला, वो आपको 9999 में मिलने वाला है। उसके बाद लिस्ट में नंबर 3 पे हमने Xiaomi की तरफ से Redmi 13C 5G को रखा है, जो कि करेंटली आपको 8-9,000 के आसपास मिल जाता है। अच्छा स्मार्टफोन है, कंसिडर आप इसे जरूर कर सकते हैं, जहां पर 6.74 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, हालांकि HD+ डिस्प्ले है, 90Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 6100+ वाला प्रोसेसर मिलेगा, स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। यहाँ पर आपको 2 साल तक के मेजर ओएस अपडेट मिल जाएंगे। बात करो कैमरे की, तो बैक में 50 megapixel का प्राइमरी और AI शूटर है, फ्रंट में 5 megapixel का सेल्फी शूटर मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक से मिल जाएगी, जहां पर आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अभी बात करो अगर कुछ कॉन्स की, तो देखो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है ना वो ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आता है, जो कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा पुराना फील होता है। और इनबॉक्स आपको जो चार्जर मिलने वाला है ना, वो सिर्फ 10W का चार्जर मिलेगा। अगर आपको फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट चाहिए तो आपको 18W वाला चार्जर अलग से परचेस करना पड़ेगा। और Redmi स्मार्टफोन है तो ब्लॉटवेयर भी मिल जाते हैं, HD+ वाली डिस्प्ले। बात करो प्राइसिंग की, तो 4+128GB रोम वाला वेरियंट अभी के टाइम पे आपको 8999 में मिल जाएगा। उसके लिस्ट में नंबर 2 पे हमने मोटोरोला की तरफ से मोटो G45 को रखा है, जो कि अभी के टाइम पे आपको 10,000 के अंडर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर कुछ ब्लॉटवेयर जरूर मिलते हैं, पर अगर आप उन्हें हटा देंगे तो एकदम क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है और बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स के साथ भी आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेक्स की, तो यहाँ पर 6.5 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, IPS पैनल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, स्मार्टफोन के बैक में आपको वीगन लेदर वाला डिजाइन मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए 6th Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, 10,000 के अंडर तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो एंड्रॉइड 14 यहाँ पर मिलेगा, 5000mAh की बैटरी भी है, बैक में 50+2 megapixel का डुअल और फ्रंट में 16 megapixel का सेल्फी शूटर मिल जाता है। ओवरऑल स्मार्टफोन अच्छा है, 1080p तक की आप वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। अभी
बात कर लेते हैं कुछ प्रोस के, तो देखो ये स्मार्टफोन डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है, जहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। बैक में वीगन लेदर वाला डिजाइन है और इनबॉक्स आपको 20 वोल्ट का चार्जर भी मिलता है। बात करें कुछ कॉन्स की, तो देखो स्मार्टफोन अच्छा है पर डिस्प्ले सिर्फ HD प्लस वाली देखने को मिलती है, उसके साथ साथ डिस्प्ले ब्राइट नहीं है, तो धूप में अगर आप यूज करते थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4+128GB रोम वाला वेरियंट 10999 में नॉर्मली रहता है, अभी के टाइम पे आपको 9999 में मिलने वाला है। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट में नंबर 1 पे हमने जिस स्मार्टफोन को रखा है वो है पोको की तरफ से पोको M6 Pro, जो कि लॉन्च हुआ था तब 11-12 हजार के आसपास था, अभी के टाइम पे आपको 10 हजार के अंडर आराम से देखने को मिल जाता है, चाहे आप सेल में परचेस करें या विदाउट सेल में भी परचेस करें तो भी। यहाँ पर आपको 6.79 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि फुल HD प्लस तो है ही है, उसके साथ साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर मिलेगा। पंच होल वाला डिजाइन है तो डिजाइन भी तगड़ा मिल जाता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मोर देन कैपेबल प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है 4Gen 2 वाला, जो कि एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। एंड्रॉइड 13 मिलेगा, 5000mAh की यहाँ पर बैटरी है। बैक में 50+2MP का डुअल कैमरा है, फ्रंट में 8MP का सेल्फी शूटर है, यहाँ पर आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी अभी बात करूँ प्रोस एंड कॉन्स की, तो देखो यहाँ पर आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पंच होल और फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। अभी बात करें कॉन्स की, तो देखो यहाँ पर AMMC 5.1 की रोम देखने को मिलती है, सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स ब्लोटवेयर देखने को मिलता है और MIUI का यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बाकी फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की, तो 4+64GB रोम वाला वेरियंट अभी के टाइम पे 10999 में आपको पड़ने वाला है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर और बिना सेल के भी आराम से ये कभी कभी 10000 के अंडर मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिए इसके टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।